मई माह को मां मरियम का महीना भी कहा जाता है, इसलिए इस महीने में हम मां मरियम से जुड़ी विशेष बातों को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज चौथा दिन हम मां मरियम के जन्मदिन के बारे में मनन करेंगे। इसके प्रारंभ में हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 11 को हम सुनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण एक वाक्य है, मैं जन्म से ही तुझे अर्पित किया गया, माता के गर्भ से ही तू मेरा रक्षक है। संपूर्ण संसार में पाप के घने बादल छाए हुए थे, अनेक व्यक्ति अंधकार में बैठे हुए थे, सांसारिक भोग विलास एवं यशो आराम की जिंदगी व्यतीत करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य था। यहूदी जाति का इतिहास अंधकार के गर्त में आरंभ होकर राजा दाऊद और सुलेमान के काल में वैभव और गरिमा की पराकाष्ठा पर पहुंचा। इस काल में उसका अहंकार बढ़ गया एवं आंतरिक कलह आरंभ हो गया। उन्हें वर्षों तक गुलामी सहनी पड़ी। उन्हें स्वदेश छोड़कर विदेश में प्रवास करने पर बाध्य होना पड़ा। उन्हें ग्रीस, फारस तथा रोमी सम्राट के अधीन गुलामी सहनी पड़ी। उनके अधीन रहकर अत्याधिक शोषण और अत्याचार सहना पड़ा। इस काल में पवित्र देश यानी इसराइल जो देश था, अखंड देश, वह दो भागों में विभाजित हो गया। दक्षिण का यहूदिया और उत्तर का गलीली या इसराइल। गलीली प्रदेश प्रभु ईसा मसीह की कर्म भूमि कहलाया। इसराइल इस जटिल अवस्था में भी ईश्वर की प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ आस्था रखता रहा। ईश्वर उनके मन, दिल और हर सांस में विद्यमान थे। वे विदेशियों की गुलामी तथा अत्याचारों से मुक्ति पाने हेतु दिन रात ईश्वर की दुहाई देते रहते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनके देश का चाहे पूर्ण पतन भी क्यों ना हो जाए, एक दिन मुक्तिदाता आकर उनका उद्धार अवश्य करेगा। वे मुक्तिदाता के आगमन के लिए तरस रहे थे। पवित्र देश के गलीली प्रदेश में नाजरेत नाम का एक छोटा सा गांव है। वहां की जलवायु सुगत और मनभावन है। जनजीवन शांत और सुखी था। लोग खेतीबारी, कारीगरी एवं भेड़ बकरियां पालकर जीवन यापन करते थे। इसी गांव में जोआकिम और अन्ना नामक वृद्ध दंपति निवास करते थे। स्वभाव से वे दोनों बड़े ही संत प्रवृत्ति के थे। उनके हृदय में ना तो रोमी साम्राज्य से घृणा थी और ना हेरोद से भय। प्रतिदिन प्रातः प्रार्थना, भजन आदि गाकर अपनी दिनचर्या आरंभ करते थे। ठीक समय और अवसर पर सभागृह में प्रार्थना करना, धर्मग्रंथ का पाठ सुनना, संहिता की शिक्षा ध्यान में रखना वे अपना कर्तव्य समझते थे। वे दाऊद वंश के थे लेकिन वे निसंतान थे। वृद्धावस्था में ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। नगर में चर्चा होने लगी कि अन्ना गर्भवती है, रब्बी जोआकिम भाग्यशाली है। इस आयु में बच्चे का होना उनके लिए भाग्य की बात है। वे हमारे नगर में एक विशेष कृपा लाए हैं। अन्ना ने एक पुत्री को जन्म दिया। रब्बी जोआकिम ने पड़ोसियों के साथ मिलकर ईश्वर की स्तुति की, धन्यवाद दिया कि ईश्वर ने उन्हें एक संतान दी। उस बालिका का नाम मरियम रखा गया।
विश्व इतिहास के उस महानतम क्षण में ईश्वर ने मरियम को अपने चुनाव में योग्य माना ताकि वह मानव मुक्ति योजना में अपना सहयोग दें। पवित्र माता मरियम का जन्मदिन प्रतिवर्ष हम 8 सितंबर को मनाते हैं। मरियम के जन्म के शुभ अवसर पर स्वर्ग लोक में ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी पर भी आनंद एवं हर्षोल्लास की लगर उमड़ पड़ी है, क्योंकि मरियम समस्त मानव जाति के लिए संतोष और आशा की किरण लेकर आई है। उसके माता पिता संत अन्ना एवं संत जोआकिम अपनी नन्ही पुत्री को देखकर आनंद से प्रफुल्लित हैं तथा परम पावन ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम भी उस आनंद के सहभागी बने, क्योंकि मरियम हमारी महारानी तथा हमारे प्रभु येसु क्रिस्त की माता है। अतः अपनी माता के पावन जन्म पर्व के अवसर पर सहर्ष आनंद मनाए। इस अवसर पर शैतान भयभीत होकर कांपने लगा, क्योंकि उसका सिर कुचलने हेतु एक स्त्री ने जन्म लिया है, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 में ईश्वर ने प्रतिज्ञा की या भविष्यवाणी की। आइए हम सभी जो मरियम की संतान हैं, हम शैतान से नहीं डरें, क्योंकि शक्तिशाली स्वर्गीय माता सदैव हमारे साथ रहकर हमारी रक्षा करती हैं। आइए इनसे जुड़ी एक विशेष घटना को हम जानेंगे। बालक येसु की संत तेरेसा का जन्म 1873 में फ्रांस देश के एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उसका नाम मेरी फ्रांकोइस तेरेसा मार्टिन था। उसके परिवार की 5 बेटियों ने ब्रह्मचार्य का व्रत धारण कर धर्म बहन बन गई थी। तेरेसा की तीव्र इच्छा थी कि वह भी कार्मल कॉन्वेंट की सदस्य बन जाए, परंतु 15 वर्ष की अवस्था तक भी उसे कॉन्वेंट में प्रवेश नहीं दिया गया। उसने माता मरियम से सहायता मांगी तथा स्वयं संत पापा लियो 13वें से कार्मल कॉन्वेंट में प्रवेश हेतु अनुमति प्राप्त की। 16 वर्ष की आयु में उसने स्वयं को ईश्वर की सेवा में समर्पित किया। वह धार्मिकता तथा पवित्रता में तीव्र गति से बढ़ती गई। वह इन पवित्र गुणों के कारण 22 वर्ष की आयु में ही शिक्षार्थियों की अध्यक्षिका यानी अंग्रेजी में नोविस मिस्ट्रेस बोलते हैं नियुक्ति की गई। उसने अपना जीवन प्रभु के असीम प्रेम और त्याग में व्यतीत किया। कठिन तपस्या के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह 24 वर्ष की आयु में ही स्वर्ग सिधार गई। कलीसिया के पुरोहितों तथा मिशनरियों की सहायता हेतु वह स्वयं प्रार्थना एवं तपस्या करती रही। वह नन्हा फूल अंग्रेजी में लिटिल फ्लावर कहलाती है, उसके नाम से वे जानी जाती हैं। वह सन 1925 में संत घोषित की गई। अब वह संपूर्ण संसार की कैथोलिक मिशन की संरक्षिका एवं धर्माचार्य नियुक्त की गई हैं। हमारे अभ्यास के लिए हम माता मरियम का मेडल सदैव पहने रहें तथा उसका सम्मान करें। ऐसे मेडल तथा अन्य पवित्र वस्तुएं उपसंस्कार कहलाते हैं, अंग्रेजी में सैक्रामेंटल्स कहलाते हैं, जिन्हें हम कलीसिया की विशेष प्रार्थना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अतः उनके द्वारा ईश्वर से आध्यात्मिक तथा सांसारिक अनुग्रह भी हमें प्राप्त होते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे अति पवित्र माता मरियम,
भोर का तारा, तूने अपने जन्म द्वारा हमें मसीह के आगमन की सूचना दी है। उसी कृपा की किरण से हमारी आत्माओं को प्रज्वलित कर, जिससे हम इस ज्योति में चलते हुए अन्य लोगों के समक्ष आदर्श जीवन प्रस्तुत कर सके और इस जीवन के पश्चात स्वर्ग धाम में प्रवेश करने के योग्य बन सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। अचल तुम्हारा हो मान, आशीष देता सदा से, अचल विधों को रखना, आशीष देना सदा ही, अचल तुम्हारा हो मान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे प्रभु, हम अपने को और हमारे सभी प्रियजनों को, विशेषकर जिनके लिए इन वेदों को चढ़ा रहे हैं, तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। माता मरियम और असंख्य दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरे प्रेम में इन वेदों पर मनन चिंतन और प्रार्थना करने की कृपा हमें प्रदान कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। पिता ईश्वर की प्रिय पुत्री माता मरियम, विश्वास का गुण हमारे अंदर फलवत होने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पुत्र यीशु क्रिस्त की प्रिय माँ, भरोसा का गुण हमारे अंदर प्रबल होने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पवित्र आत्मा ईश्वर की प्रियतम कुआरी मरियम, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश प्रेम हमारे हृदय में उमड़ने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुआरी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आनंद के भेद। पहला भेद, गैब्रियल स्वर्गदूत कुवारी मरियम को संदेश देते हैं। चिंतन। स्वर्गदूत गैब्रियल ने कुवारी मरियम से कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है, आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्रार्थना। हे प्रभु, कुंवारी मरियम के समान हम भी ईश्वर की इच्छा और योजना के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करते हैं। हमें पवित्र विश्वास से जीवन जीने के लिए कृपा प्रदान कर। हमारे सभी मतलबों के लिए इस भेद को अर्पित करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में
और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को, विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। दूसरा भेद, मरियम एलिजाबेथ से मिलने जाती है। चिंतन, कुवारी मरियम अपनी गर्भवती कुटुंबनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए यूदा के एक नगर पहुंची। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया तो वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। तब मरियम आत्मा में भजन गाने लगी। प्रार्थना, हे प्रभु, जैसे मरियम का अभिवादन सुनकर एलिजाबेथ और उसका गर्भस्थ बच्चा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए और 3 महीनों तक उन्हें तेरी उपस्थिति का अनुभव मरियम द्वारा मिला, हमें भी माता मरियम के द्वारा ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। हे प्रभु, सभी निस्संदान दंपतियों, गर्भस्थ बच्चों और बुजुर्ग लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए इस भेद को उनके लिए समर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा दीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। तीसरा भेद, यीशु मसीह का जन्म। चिंतन। केसर अगस्तस के राज्यकाल में पहली जनगणना की राजाज्ञा निकाली गई थी, इसलिए यूसुफ अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नासरत से बेतलहम गया ताकि वे अपना नाम लिखवाए। वहीं मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने एक गौशाला में यीशु को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। तब स्वर्गीय सेना ने ईश्वर की स्तुति में गीत गाए। मुक्तिदाता प्रभु यीशु के जन्म की खबर स्वर्गदूतों ने चरवाहाओं को दी। उन्होंने भी जाकर यीशु को चरनी में लेटा देखा और ईश्वर का गुणगान और स्तुति किया। प्रार्थना। हे प्रभु, कुंवारी मरियम के कौमार्य को भंग किए बिना तूने कुंवारी मरियम से जन्म लिया, इसलिए जीवन के अंत तक नित्य कुंवारी बने रहने की कृपा उन्हें प्राप्त हुई। हे कुंवारी माता, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों और धर्म संगियों के लिए प्रार्थना कर कि वे अपनी बुलाहट के प्रति ईमानदार रहें और तेरे जैसा एक पवित्र जीवन जी सके। उनके लिए इस भेद को हम समर्पित करते हैं। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। चौथा भेद, बालक यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। चिंतन, मूसा की संहिता के अनुसार पुत्र प्रसव के 40 दिनों के बाद शुद्धिकरण का दिन आया तो माता पिता यीशु को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। सिमयोन नामक धर्मी पुरुष पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। उसने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए बालक के विषय में भविष्यवाणी करने लगा। अन्ना नामक विधवा नबिया, जो मंदिर में उपवास प्रार्थना करते हुए रहती थी, वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने और बालक के विषय में लोगों को बताने लगी। प्रार्थना, हे प्रभु, समयोन और अन्ना के समान तुझे हमारे हृदय में अनुभव करते हुए सदा स्तुति आराधना करने की कृपा हमें प्रदान कीजिए।
बालक और दुदमुहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। हे माँ, हमारे परिवार के सभी बच्चों और सभी अनाथ गरीब बीमार बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए कि वे ईश ज्ञान और भक्ति में बढ़ते जाएं। सभी बच्चों के लिए हम इस भेद को अर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा दीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। पांचवा भेद, यीशु मंदिर में पाए जाते हैं। चिंतन। जब बालक यीशु 12 बरस का था तो माता पिता प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक यीशु माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद उन्हें यह मालूम पड़ा
तो वे यीशु को ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो, तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। यीशु ने अपनी माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की ज़रूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, जब माता पिता ने 3 दिनों के बाद तुझे मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठा पाया तो उन्हें कितना आनंद हुआ। तो उनके साथ नाजरेत गया और उनके अधीन रहा। हम सभी बच्चों और युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे तेरे समान अपने माता पिता के अधीन रहकर ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। प्रणाम रानी, प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा तुझे प्रणाम। हम हेवा की निर्वासित संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममयी, हे मधुर कुमारी मरिया। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरे इकलौते पुत्र ने अपने जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान से हमारे लिए अनंत जीवन प्राप्त किया है। हम तुझसे विनती करते हैं कि पवित्र कुंवारी मरियम की अति पवित्र माला के इन भेदों पर मनन करते हुए जो कुछ वे सिखाते हैं हम उनका अनुकरण करें और जिनकी वे प्रतिज्ञा करते हैं उनको प्राप्त करें, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। अपने हाथों को जोड़कर अपनी आंखें बंद करके हम कुंवारी मरियम की स्तुति विनती में सहभागी हो गए। Thank you.
विनती करो माँ,
हमारी विनती सुन। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, दया करो हे प्रभु हम पर। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु ईश्वर कृपा करके अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, और नित्य कुंवारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर आनंद सुख भोगने दे। क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। याद कर विनती, याद कर हे परम दयालु कुंवारी मरियम, कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और कराहते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे क्रिस्त की माँ, मेरी विनती को अस्वीकार मत कर, पर दया से उसको सुन और पूरा कर, आमीन। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया, वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष देता रहे, आमीन। जिन धन्य कुंवारी के द्वारा आप लोगों को जीवन के अधिपति प्राप्त हुए, उन्हीं के संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा और सर्वत्र करते रहे, आमीन। आप लोग भक्ति भावना से भरकर आज पवित्र रोजरी विंदी किए हैं, इसलिए आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गिक पुरस्कार भी प्राप्त कीजिए, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे, आमीन। अर्चन तुम्हारा हो मां, आशीष देता सदा से, अर्चन में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। अर्चन तुम्हारा हो मां, बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, सबको तो देती साया, सबको तो देती छाया। आज तुम्हारा हो मां, आशीष देता सदा से, आज में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आज तुम्हारा हो मां,
जग की जननी हे माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते। जग की जननी हे माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते। तू ही बनी यीशु माता, अबरी भी तू है माता। आज तुम्हारा हमारा आशीष देता सदा से, आज में हमको आशीष देना सदा ही। आचल तुम्हारा हमारा, आचल तुम्हारा हमारा, आचल तुम्हारा हमारा।